What the tech is going on friends, मेरा नाम है जय टेक्नोजोलॉजी की तरफ से और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बोल्ट ऑडियो बेस बर्ड स्ट्रॉम एक्स इस वेरी एयरफोन का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो गाइस ये रहा वो एयरफोन, इसके बारे में मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ, वो सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा और इसका फुल रिव्यू भी करके दिखाऊंगा। और गाइस साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये एयरफोन आप लोगों को खरीदना चाहिए या नहीं, एक्चुअली में आप लोगों को एयरफोन खरीदना चाहिए। तो 300 रुपया में ही आप लोगों को मिल जाएगा, साथ ही साथ आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों उससे पहले आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए, और अगर पहले से करके रखे हो तो देन थैंक यू। दोस्तों इसकी कीमत है सिर्फ 299 रुपीस, जो कि आप लोगों को टाटा CLIQ में मिल जाएगा। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली परचेस कर लेना। एनीवेज अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो कंपनी मेंशन करता है कि यहाँ पे आप लोगों को मेटल का फिनिशिंग देखने के लिए मिलता है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को 100% प्योर मेटल बॉडी देखने के लिए मिलता है, एल्युमिनियम कोटिंग के साथ है, बहुत ही अच्छा आप लोगों को बिल्ड क्वालिटी इसी हेडफोन में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है इसी प्राइस सेगमेंट के अंदर। अगर मैं इसके बॉटम वेयर के बारे में बात करूँ तो बॉटम वेयर इसका बहुत ही अच्छा है, काफी थिक है और अच्छा क्वालिटी से बना हुआ है। ओवरऑल इसका बॉटम वेयर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। लेकिन टॉप में दोस्तों आप लोगों को स्पीकर के दो जो वायर मिलता है वो थोड़ा थिन है कंपेयर टू बॉटम वायर, तो मटेरियल आप लोगों को वही मिलता है लेकिन कंपेयर टू बॉटम वायर आप लोगों को थोड़ा थिन देखने के लिए मिलता है ये जो वायर मिलता है। तो अदरवाइज देखा जाए तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता अगर ये लोग बॉटम वायर की तरह इसको भी थोड़ा थिक करके देते। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके जैक के बारे में। जैक जो है आप लोगों को गोल्ड प्लेट ही देखने के लिए मिलता है और इसका जो ऊपर का बॉटम सिस्टम है वो आप लोगों को मेटल फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जो जैक आप लोगों को मिलता है ये आप लोगों को एल शेप का नहीं मिलता, या फिर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, अगर वो लोग एल शेप का जैक दे देते तो बहुत ही अच्छा होता, या फिर ये लोग थोड़ा प्राइस कटिंग कर दिए हैं, आप लोगों को यहाँ पे नॉर्मल शेप का जैक ही देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों इसके कंफर्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों ये बहुत ही कंफर्टेबल है, लाइट वेट है, आप लोगों को कानों में पहन के कोई भी तकलीफ नहीं होगी। बट बात करते हैं फिटिंग की तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा पेयर ऑफ एयरबड्स मिलता है, एक पैकेज में पाउच में देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे स्मॉल एंड बिग एयरबड्स आप लोगों को मिल जाता है, तो फिटिंग के बारे में आप लोग यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये एयरबड्स मुझे थोड़ा पर्सनली बेटर लगा, आप लोगों को कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताना। अब दोस्तों बात करते हैं इसके ऑडियो क्वालिटी के बारे में, तो दोस्तों आई एम रियली शॉक्ड दोस्तों, मतलब कि आप लोगों को यहाँ पर माइंड ब्लोइंग ऑडियो क्वालिटी देखने के लिए मिलता है। आई एम सीरियस ओके, अंडर 3000 रुपया के अंदर ये ईयरफोन जो ऑडियो क्वालिटी प्रेफर करता है वो आप लोगों को 500-600 रुपया के ईयरफोन्स में नहीं देते हैं। दोस्तों इसके लाउडनेस के बारे में बोलूं तो देन इट्स सुपर लाउड, आप लोग यहाँ पे 100% वॉल्यूम पे कोई भी गाना सुन ही नहीं पाओगे, यहाँ पे 100% वॉल्यूम पे जाके इसका ट्रिबल फट जाता है, इतना ही ये लाउड है। 70-80% में जाके आप लोग गाना सुनो बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे आप लोग अगर 100% में गाना सुनते हो तो कान में चुभता है, ट्रिबल्स यहाँ पे फट के आता है, इतना ये लाउडनेस प्रोवाइड करता है। और दोस्तों इसके म्यूजिकल सेपरेशन के बारे में बात करूं, सराउंड साउंड के बारे में बात करूं तो एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली गुड फॉर दिस प्राइस सेगमेंट। और गाइस बात करते हैं आपके सबसे पसंदीदा पॉइंट बेस के बारे में, यहाँ पर दोस्तों मैं सोचा था कि इस प्राइस सेगमेंट में मुझे 0-40% तक मुझे बेस मिलेगा, मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। लेकिन गाइस यहाँ पे आप लोगों को जो बेस मिलता है लिटरली वो बेस आप लोग अपने कानों में फील कर पाओगे, मतलब कि मैं बिल्कुल आसमान से गिरा यार, यहाँ पे 300 रुपया के हेडफोन में आप लोग ऐसा बेस कभी उम्मीद ही नहीं कर पाओगे। दोस्तों हम इंडियंस बेस को थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप लोग अगर ऑडियो के बारे में पूछते हो तो इट्स बेटर देन योर एक्सपेक्टेशन, बहुत ही अच्छा आप लोगों को ऑडियो क्वालिटी इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो आप लोगों को कंट्रोलर दिया गया है वो बहुत ही अच्छा कंट्रोलर है, आप लोगों को बटन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही अच्छा बटन का स्विच यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, आप लोग इससे पॉज कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, नेक्स्ट सॉन्ग यहाँ पे चूज कर सकते हो और कॉल एंड और कॉल को रिसीव कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आप लोगों को कंट्रोलर भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे साउंड क्वालिटी के बारे में बात करूँ, माइक्रोफोन के साउंड क्वालिटी के बारे में बात करूँ, तो दोस्तों यहाँ पे कॉल में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला है कॉल क्वालिटी में, और माइक्रोफोन भी बहुत ही अच्छा है, क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को यहाँ से नॉइज मिलता है और आवाज आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, तो यहाँ पे मुझे माइक्रोफोन का क्वालिटी बहुत ही बेटर लगा। अब दोस्तों बात करते हैं बॉक्स कंटेंट के बारे में, यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिलता है 300 रुपीज के अंदर।
तो चलिए आप लोगों को फटाफट से एक छोटा सा अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले जो मिलता है एक वारंटी कार्ड मिलता है एक साल का। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चरर वारंटी कार्ड मिलता है एक साल के लिए। जब से आप इसको परचेज किए हो उससे लेकर एक साल तक आप लोगों को इसका वारंटी देखने के लिए मिल जाता है। आप लोग यहाँ पे वारंटी क्लेम भी कर सकते हो, आप लोग चाहो तो यहाँ पे स्कैन करके भी कर सकते हो और यहाँ पे आप लोग रजिस्टर भी कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को 300 रुपया का एक ईयरफोन में एक ईयर का ब्रांड वारंटी भी देखने के लिए मिल जाता है। देन आप लोगों को सम एयरबड्स भी मिलता है एक पाउच में देखने के लिए। तो दोस्तों एयरबड्स का क्वालिटी भी मुझे डिसेंट लगा है, बहुत ही अच्छा लगा है और यहाँ पे आप लोगों को कोई भी शिकायत नहीं होगा, एयरबड्स का क्वालिटी सच में बहुत ही अच्छा है। देन यहाँ पे बोर्ड पे लगा हुआ आप लोगों को एयरफोन्स मिलता है। इसका जो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी है मुझे पर्सनली बहुत ही इम्प्रेस हुआ मैं दोस्तों, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी जो कि मेटल फिनिशिंग का आता है और ये आप लोगों को गोल्ड कलर में मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। आप लोग चाहो तो दूसरा कलर भी परचेज कर सकते हो, ब्लैक कलर भी आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप लोग चाहो तो कलर चूज करके आप लोग परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है। तो दोस्तों फाइनल बात करें ये आप लोगों को लेना चाहिए तो देन आप एश्योर्ड रहे। इसकी जो ऑडियो क्वालिटी आप लोगों को मिलती है बोट बेसबर्ड मी बेसिक एयरबड्स आप लोगों को Realme Buds इन सभी से अच्छे मिलते हैं। देन मैं आप लोगों को ये दावे के साथ कह सकता हूँ आप लोगों को ये लेना चाहिए। जिस प्राइस रेंज में ये मिलता है, जो ऑडियो क्वालिटी ये प्रोवाइड करता है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इट्स वर्थ इट। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये आप लोगों को खरीदना चाहिए। गाइस इसमें आप लोगों को एक ईयर का वारंटी भी मिलता है। दोस्तों आप लोग सोच सकते हो कि एक 300 रुपीज के एयरफोन में आप लोगों को एक साल का ब्रांड वारंटी भी मिलता है, आप लोग जरूर इसको परचेज करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना, हमारे चैनल में नए तो सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल बटन को जरूर प्रेस कर देना, कमेंट करना ना भूलिए। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए ये एयरफोन आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस लेकर। आज के लिए आपका दिन शुभ रहे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसा ही लेटेस्ट वीडियोस लेके। आज के लिए जय हिंद।